हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और संडे का दिन तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है और नबिया का कल पेपर है। तो नबिया बहुत ज़िद कर रही थी कि अम्मी आज आप ब्रोस्ट बनाएं घर में, तो मैंने कहा ब्रोस्ट तो खैर बनता ही रहता है, आपके साथ थोड़ी सी ब्लॉगिंग की जाए। ये मैं बच्चों के लिए देखे ड्रम स्टिक लाई थी, ये मेरे ख्याल से 10 से 12 ड्रम स्टिक है। इसके अंदर मैंने मसाला लगा के रख दिया है, सिंपल मसाला घर का, कुटी हुई मिर्चें, नमक, चाट मसाला, अदरक, लहसुन। तो ये है कि अब बस ये थोड़ी देर मैरिनेट होगा, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, बच्चों को पेपर की प्रिपरेशन लग कर आने में ही गुजर गया सारा दिन, तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलें आपके साथ थोड़ी सी व्लॉग बनाते हैं, बातें करते हैं। अब ये मैरिनेट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इसको बनाते हैं, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। और ये जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ये रेडी हो गया है बच्चियों के लिए, जो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही थी ब्रोस्ट की। ये ब्रोस्ट है, लेग पीस ब्रोस्ट है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और ये मैंने बैगन का रायता बनाया है बच्चियों के लिए। इसके साथ बड़ा मज़े का लगता है ये। और ये देखिए आप, ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। और ये दोनों बैठी हुई हैं, वेट कर रही थी काफ़ी देर से, दोनों अभी ट्यूशन से पढ़ के आई हैं तो खाने का ही वेट कर रही थी। और अभी फातिमा का थोड़ा सा मूड अपसेट है क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक का कह रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि आज नहीं, सर्दी हो रही है बहुत। तो बस अब ये रेडी है, तो कोशिश करी थी कि आपके साथ छोटा सा आज संडे का ब्लॉग शेयर किया जाए। अभी ये दोनों फिनिश कर लें, उसके बाद मैं हैदरी गई थी, नबिया के लिए कुछ ड्रेसेस लेके आई थी और उनके लिए स्लीपर भी लाई थी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। चले आप दोनों खाना शुरू करें और मुझे बताइएगा कि कैसा ही है, टेस्ट करके आप दोनों मुझे बताइएगा कि ये कैसा है। ये अभी गरम बहुत है। अभी फातिमा वो टेस्टी कहते बोलती है यूं करके, अभी फातिमा टेस्टी कैसा है? अभी आप जोर से तो बोले यार, टेस्टी। तो ये बनाया है मैंने, अब ये फिनिश कर लें, तो इसके बाद कुछ ये है कि जो मार्केट से मैं बच्चों के लिए चीज़ें लेके आई थी वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह।